छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये सारी तुम्हारी शैतानी साजिश है। सब जानता हूं मैं कि कश्माला को बहू बना के घर लाओ और जहेज में मकान मांग लो। तुम्हारी कश्माला इतनी सीधी है ना कि वो सब कुछ चुपचाप मान लेगी। अली तुराब से ही तो नाला है हम। अरे भाई जल्दी में शादी तो कर ली उन्होंने और अब कहते हैं कि बाजी मेरी जान छुड़ाई उससे। आई लव यू। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूं। कश्माला तुम अम्मू की चमचागिरी करना बंद कर दो और सबकी दादी अम्मा बनना छोड़ दो। समझ में आई? मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, मुझे नहीं चाहिए कोई बहन भाई। ये क्या किया है आपने? I hate you baby। हेलो। हाँ किंजा। हाँ बस मैं सोने ही वाला था। क्या हुआ? क्या हो गया किंजा? क्यों बोर कर रही हो मुझे? क्यों तंग कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कश्माला मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा मेरा इंतजार कर रहे थे या अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहे थे? अच्छा ये तो बता तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट पे मेरा कौन सा नंबर है? 100, 200? ऐसा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। किंजा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। उसने जस्ट बाय द वे मुझे कॉल किया था। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं क्या? नहीं मुझे बता दो, तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी होगा ना, एक और गर्लफ्रेंड जो इत्तेफाक से तुम्हारे घर में ही रहती है और हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल है ना? जिसे कहा आई लव यू उसे डेट पे लेके गए और फिर नेक्स्ट। सरमत मेरी बात याद रखना, मैं इस घर में बाबा की वजह से आई और तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से पहचान गई। लड़कियों को डेट पे लेके जाते हो, उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते और फेंक देते। हाँ ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही। मैं बिल्कुल ऐसा ही था, फ्लर्ट प्लेबॉय कैसानोवा जो भी नाम दे दो मुझे। लेकिन जानती हो कश्माला मैं वैसा नहीं रहा, बदल गया हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बदला हूं कश्माला। और अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जिंदगी में पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं, कोई गाना सुनता हूं तो तुम याद आती हो, कोई हंसता है तो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जाऊं तो कहां जाऊं फिर? मैं तुम्हें अवॉइड करने की, इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हो। बचपन में कहीं सुना था कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज के मोहताज नहीं होती, इसे महसूस करना पड़ता है और आज ऐसा ही हो रहा है। इस रात की ठंडक में, इन फूलों की मस्त खुशबू में, इन तारों की चमक में मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तुम आज भी मुझे कोई फ्लर्ट से मत समझते। मुझे लगा था शायद तुम आज मेरी फीलिंग्स को समझ लोगी, उन्हें महसूस कर लोगी, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद ठीक लग रहा होगा, शायद मैं नहीं बदला। आई एम सॉरी।
परवरदिगार कोई ऐसा रास्ता बना दे कि समिया और बच्चियां उसके शर से महफूज रहे। कि मन मर जाए हाँ मन मर जाए कि मन मर जाए हाँ मन मर जाए। हाय हाय बाजी बेगम, ये तो आप लग रही हैं। कसम से दुल्हन बनकर तो कितना रूप आया आपके ऊपर, और ये यकीनन छोटे साहब के अब्बा हैं। बाजी बेगम बड़े तगड़े होते थे, होते हैं, अब कहाँ होते हैं बाजी बेगम? बकवास बंद कर, जो मुंह में आ रहा है पके चली जा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे सवालात करने की? इस कोठी में किसी को इजाजत नहीं है कि उस शख्स का नाम ले। चलो, जहन्नुम में होगा वो शख्स, जहन्नुम में। बाजी बेगम कसम से अब गलती नहीं होगी। वो समझ नहीं आया, वो लड़की क्या नाम है उसका? रोशानी। उसका ट्यूशन का मामला कैसा जा रहा है? आना जाना तो होगा, मेल मुलाकात तो हो रही होगी। अरे बाजी बेगम आपकी सोच है, रिशाने बीबी की आंखों में मैंने मोहब्बत के जुगनू चमकते हुए देखे। बाजी बेगम इतनी पागल है, अकेले बैठकर खुद ही शर्माती रहती है, मुस्कुराती रहती है। वैसे बाजी बेगम आप तीर चलाए और निशाने पे ना लगे, ये कैसे हो सकता है? गुलनार, इसका मतलब है कि हमने जो पकवान ऑर्डर पर तैयार कराया था उस देगची का ढक्कन खोलने का वक्त आ गया है, समझी? बाजी बेगम बस आज कल में मुझे मौका मिल ही जाएगा। फिर चोर से कहूंगी चोरी कर और कोतवाल को खुद खबर दे दूंगी। अरे बाजी बेगम फिर उस लड़की का कैसा मुंह काला होगा, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। हम देख रहे हैं कि तुम दिन ब दिन सियानी होती जा रही हो। अच्छा खैर, मिसेस खान से जाकर कहो कि हमने उनके लिए लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल से पहल तैयार रहे। बाजी बेगम इसकी क्या जरूरत, डॉक्टर ने तुमको पहले जवाब दे दिया, क्या तो औलाद नहीं होनी तो फिर? गुलनार, एक सरसब्ज शादाब दरख्त उम्र रसीदा होकर सूख गया है, बेसमर बे औलाद। इस चीज का सर्टिफिकेट लेडी डॉक्टर से लेना इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से अली तुराब को राम करने में आसानी होगी। उनसे तलाक नामे पर दस्तखत लेना
बच्चों का खेल नहीं है। खैर तुम नहीं समझोगे, लेकिन हम फतेह की तैयारी से पूरी तरह से लैस होकर रहना चाहते हैं। ऐसे बाजी बेगम, अगर डॉक्टर ने कोई उम्मीद दिला दी तो फिर आप जाएं बे औलादी का सर्टिफिकेट लेने और डॉक्टर औलाद का दे दे तो। बकवास बंद कर अपनी, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा होने का इम्कान भी तो हम उसको फौरन खत्म कर देंगे, जहर दे देंगे, जान से मार देंगे। दफा हो अब। जी उम्र के इस हिस्से में माजी की कोताहियां, नाफरमानियां, गुनाह सामने आकर क्यों खड़े हो जाते हैं? मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया अम्मी। माना कि मां की बद्दुआ नहीं लगती, मगर बाबा बाबा आप मुझे कैसे बख्शेंगे? इस बोझ तले रात रात भर नींद नहीं आती मुझे। अब अस्मा फिर नादानी करने जा रही है, रूहान और कश्माला को मंसूब करके। वो कभी अच्छी सास नहीं बनेगी, मैं जानता हूं। या अल्लाह उसे हिदायत दे। परवरदिगार कोई ऐसा रास्ता बना दे कि समिया और बच्चियां उसके शर से महफूज रहे। रोशाने क्या हो गया तुम्हें? अरे यार इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, अचानक कहां खो जाती हो तुम? कहीं पे भी नहीं। अच्छा खैर क्लास खत्म हो गई है, चलो जाओ जाके पढ़ो। एग्जाम कब है तुम्हारा? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो रुको रुको एक मिनट, एक बात तो बताओ, ये अगर लड़कियों को कोई गिफ्ट देना हो तो क्या दिया जाता है, उन्हें क्या पसंद आता है? परफ्यूम, कपड़े या ज्वेलरी? लड़कियों को कोई भी गिफ्ट दिल से दिया जाए वो कबूल कर लेती है। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? लेकिन कश्माला को मत बताना। हाँ हाँ मैं चलूंगी, नहीं बताऊंगी कश्माला को, लेकिन अम्मू को बता दो। क्या जरूरत है, एक दो घंटे की बात है, बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। हाँ तैयार हो जाओ जाओ।
मानो खबरदार जो आपने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए एक भी कदम उठाया। आप हमारे घर की आया है माँ नहीं। आज अब्बू बहुत याद आ रहे हैं, आज तक उनसे मिला नहीं, उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं। वो सिर्फ कश्माला के बाबा है, कश्माला को ये गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, वो मेरे लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, इस घर में किसको मेरी परवाह है, सब उसी के लाड उठाते हैं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। रोशनी बिटिया कॉलेज नहीं गई आप? कश्माला बीबी तो गई है। तो क्या जरूरी है मैं हर वही काम करूं जो कश्माला करती है? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, जैसे मर्जी जो करूं। हम तो बस यूं ही कह रहे थे, वो आप सरमद मियां के कमरे में गई थी, कोई काम था आपको? ओह तो आप मेरी टो ले रही थी, जासूसी कर रही थी मेरी। हम आपकी टो क्यों लेने लगे? बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप उनके कमरे से निकल रही थी, हमारे घर में इस तरह कभी हुआ नहीं। सही कहा आपने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब होगा और आपको पता है बार बार होगा। मैं आप लोगों की पाबंदियों से ना तंग आ गई हूँ, पहले अम्मू फिर बाबा फिर कश्माला और अब आप। जरा बाजी को देखें कितने खुले दिल दिमाग की हैं। आप लोगों ने तो खामखा उन्हें हवा बना के रखा हुआ था। अरे बच्चे जा कहाँ रही हैं आप? बिटिया हम तो आपको अम्मू की खुशखबरी बताने आए थे, बस इतनी सी बात करने आए थे आपसे। तो भाई मैं क्या करूँ उस खुशखबरी का, मिठाइयाँ बांटूं, सेलिब्रेशन करूँ, क्या करूँ? और मेरी अम्मू को तो पता नहीं क्या हो गया है बुढ़ापे में। अरे ये उम्र उनकी अपने नवासा नवासी को खिलाने की है, अपनी बेटियों की शादी करने की है, लेकिन नहीं, वो तो अपने न्यू बॉर्न बेबी को खिलाएंगी, उसकी बर्थडे करेंगी, उसके लिए गिफ्ट्स लाएंगी। खबरदार, जो आपने समिया बीबी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला होगा। आपको सिर्फ इतना कहने आए थे कि ये बात आप किसी को भी नहीं बताइए, खासतौर पर यहाँ घर वालों को। देखे मानो, मुझे उनके आने वाले बच्चे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे कोई इतनी सी भी खुशी है जो मैं ढिंडोरे पीटती फिरूं। और बानो खबरदार जो आपने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए एक भी कदम उठाया। आप हमारे घर की आया है माँ नहीं। अच्छा की, बहुत अच्छा किया बीबी आप, जो आज हमें हमारी औकात याद दिलाई। अरे हमने तो आपके अम्मा बाबा को भी पाल, आपको भी पाल। दो सेकंड में दो कौड़ी का कर दिया बच्ची ने, या अल्लाह से अकल नादान बच्ची दुश्मनों के बहकावे में आ गई। जीते रहिए, उम्र दराज हो, किसी हसीन दोशीजे से शादी हो आपकी और ढेर सारे बच्चे खिलाए। आमीन। क्या बात है, पहले तो आप शादीवादी के चक्कर से चिढ़ते थे, अब क्या हो गया? आप तो कहते थे कि आप किसी के साथ बंद कर नहीं रह सकते। ये अचानक तकय्युर कैसा है?
किसी के साथ सीरियस तो नहीं हो गया? नहीं अम्मी बेगम, मैं मजाक कर रहा था। हम देख रहे हैं सरमद मियां कि वो लड़की, क्या नाम है उसका? रोशनी। आपका खुलना मिलना बहुत बढ़ गया उसके साथ, कहीं कोई इश्क विश्क का तो चक्कर नहीं है? हमारा मतलब ये है कि जहां आपकी इतनी ढेरों गर्लफ्रेंड्स हैं, वहां एक और इजाफा? नहीं अम्मी बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। रोशनी तो मुझसे बस पढ़ने के लिए आती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी बहुत क्यूट सी, प्यारी सी लड़की है वो। आप यकीन करें, अगर मेरी कोई बहन होती तो वो बिल्कुल रोशनी जैसी होती। मैं आपसे एक बात करनी थी। हाँ, अबू बहुत याद आ रहे हैं, आज तक उनसे मिला नहीं, उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं। उन्हें जानता हूं तो बस वलीयत के कागज में वो जो खाना होता है जहां नाम लिखते हैं, उसी नाम से जानता हूं। क्या वो जिंदा है? बाज लोग जिंदा होकर भी अपनी जिंदगी में ही मुर्दों जैसा मकाम हासिल कर लेते हैं सरमद मियां, अपने करतूतों के बाइस। हमारा बस चलता तो हम जरूर इलाही के बजाय आपकी वलदियत के खाने में भी अपना नाम लिखवाते, अपना। भूल जाइए उस बेगम। अम्मी बेगम, मकरूह। अम्मी बेगम, गुलनार, गुलनार जल्दी आओ। अम्मी बेगम, क्या हुआ है? अम्मी बेगम, गुलनार जल्दी आओ। अम्मी बेगम, बेगम, अम्मी बेगम, अम्मी बेगम होश में आइए। अम्मी बेगम, क्या हो गया आपको? पानी लेकर आओ जल्दी से। अम्मी बेगम होश में आइए ना, प्लीज प्लीज। रोशनी, कश्माला कहाँ है? उसे भी बुला के लाओ, आज हम तीनों बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। अम्मू, मैं अब कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे दिलासे दे के मना लेंगे। मैं बड़ी हो गई और अपने ये चोचले ना अपने सामने वाले बच्चे के लिए संभाल के रखे। रोशनी, बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम, इस तरह बात करते हैं अपनी अम्मू से? अच्छा, तो फिर क्या अपनी सगी बेटी के साथ ये सलूक करते हैं? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ रोशनी? अम्मू, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत, लेकिन अभी मुझे आप जाने दे प्लीज। रोशनी, अगर ये बेबी की न्यूज नहीं आती, मैं अली थोड़ा आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती थी। तो क्या ऐसा तय हुआ था जब आपने मिस्टर अली तौराब से? बाबा है वो तुम्हारे बाबा। वो मेरे बाबा नहीं है, वो सिर्फ कश्माला के बाबा है। कश्माला को ये गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, वो मेरे लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, इस घर में किसको मेरी परवाह है, सब उसी के लाड उठाते हैं। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ। अब ऐसा नहीं होगा रोशनी। आप मुझे क्या श्योरिटी दे सकती हैं? हाँ बताएं, क्या श्योरिटी दे सकती है मुझे? मेरी 70% आई, मुझे किसी ने विश तक नहीं किया, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। अम्मू, मुझे इस इतने बड़े घर में रातों को डर लगता है। मैं ये सब बातें किसको जाके बताऊं, किससे शेयर करूं? कोई भी नहीं है मेरे पास। और आप, इस बेबी के आने के बाद मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये भी आप लोगों को एक हफ्ते बाद पता चलेगा। आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते।
कैसे बताएं उजाले कहां खो गए अपनों के सारे निशान खो गए छन से टूटे शीशे जो बस आंसू पोछ लो बच्ची है कोई बात नहीं बच्चियां तो माँ से नाराज हो जाती है ठीक हो जाएंगी रोशना दीदी एक दो दिन में बस अच्छे कम परेशान मत और ये कश्माला कहाँ होती है ये सारा सारा दिन मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आती उसका रिजल्ट आने वाला है किसी चीज का होश नहीं है मुझे इतने सालों बाद की प्रेगनेंसी सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपको ना ये बात बच्चियों से नहीं करनी चाहिए थी आपने अली तराब साहब से कहा है नहीं वो शहर से बाहर गए हुए थे आज ही वापस आएंगे मुझे फोन पे उनसे ये बात करना मुनासिब नहीं लगा लेकिन बच्चियों के रिएक्शन ने मुझे डरा दिया कश्माला तो फिर भी ठीक है लेकिन रोशानी तो बहुत डिस्टर्ब हो गई ये तो मेरा अपना खून है बानो भी जो मुझसे इस कदर नाराज है अभी जब दुनिया को पता चलेगा तो ना जाने कितना तमाशा बनेगा मेरा कुछ नहीं होगा ये बच्चा आपकी और अली तराब की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था ये आपकी जिंदगी को जोड़ेगा अली तराब की जिंदगी से वरना ये जो बेगम अंजुमारा साहिबा है ना उनका तो बस नहीं चलता कि आपको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दो बस आप मेरा कहा माने अभी आपके शुरू शुरू के दिन है ये बात आप साहब से भी छुपा के रखी अरे भानो भी इतनी बड़ी बात मैं भला कैसे छुपा सकती हूँ आप यकीन कीजिए मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई अंजुमारा बेगम तो नफरत में इतनी आगे जा चुकी है कि अगर उनको इस बच्चे की इत्तला मिली तो उसे मारने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे आप इस बात को छुपा के रखिए और कुछ ही दिन में तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा चलो समझ बेबी इस ढलती उम्र में अपने आप को एक कुंवारे आदमी के साथ नथी करके क्या समझने लगी अपने आप को आज तुम्हारी अकड़ का तो वो आलम है जैसे तुमने अली तुराब को औलाद नरीना से मुस्तफीज कर दिया हो कि मन मर जाए हाँ मन मर जाए मिसेस खान आदाब बाजी बेगम इस कोठी में और लोग भी रहते हैं कभी उन्हें भी देख लिया करो माना के यहां बहुत ऐशो आराम है तुमको तुमने तो कभी ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं देखा होगा लेकिन इस कोठी में और लोग भी रहते हैं कभी उन्हें भी पूछ लिया करो जी दुरुस्त लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा इस कोठी में चलना फिरना
यहाँ के लोगों के मामलात में दखल देना आपको नागवार गुजरे, इसीलिए मैंने खुद को इस कमरे तक महदूद कर लिया। बहाने बनाने के लिए अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा है तुम्हारे पास मिसेस खान। शायद इसीलिए हमारे अली तुराब तुम पर लट्टू हो गए थे। बहरहाल हम यहां तुम्हें यह बताने के लिए आए हैं कि आज शाम को तुम्हारे भाई और भाभी यहां आ रहे हैं, अपने वो क्या नाम है उस लड़के का, हाँ रूहान, रूहान को लेकर। अपनी मुंहजोर और बदलिहाज बेटी के मुंह को लगाम लगा के रखना और उसको अच्छी तरह से तैयार करके लाना। ये ना हो कि वो सर झाड़ मुंह पहाड़ मैले कुचैले कपड़ों में आके बैठ जाए। मिसेस अंजुमारा, आप मेरी खामोशी को मेरी बेबसी बिल्कुल मत समझिए। मेरी बेटियां कोई लावारिस नहीं है जो आप उनको किसी भी ऐरे गैरे के साथ बांध देंगी। अपने सगे भाई के बेटे को ऐरा गैरा करार दे रही, यही प्रॉब्लम है तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, अपने सगे रिश्ते भी नहीं निभा सकते। एक भाई एक बहन, अदावत की वजह क्या है? मेरे और मेरे भाई के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो मेरा साथी मसला है, और मेरे इकलौते भाई के ऊपर जो तुमने दो जवान बेटियों का बोझ डाल दिया है वो भी मेरा जाती मसला है, खालिसतन जाती मसला। और अपने भाई के सर से ये बिला वजह का बोझ हटाना हमारा फर्ज है। तुम्हारी आवाज में बड़ी ताकत और बड़ा जोर आ गया है। इस कोठी में हमारे सामने किसी की मजाल नहीं कि ऊंची आवाज से बात करे, अली तुराब भी नहीं कर सकते। इस ढलती उम्र में अपने आप को एक कुंवारे आदमी के साथ नथी करके क्या समझने लगी अपने आप को? आज तुम्हारी अकड़ का तो वो आलम है जैसे तुमने अली तुराब को औलाद नरीना से मुस्तफीज कर दिया हो। ये ज़ोम और ये गुरूर तुम्हारी उम्र को जेब नहीं देता मिसेस खान। हाँ 4 बजे शाम को तैयार होकर बंद समर कर हंसता हुआ चेहरा लेकर आ जाना। हमने अपने भाई से इजाजत ले ली है। ऐसा कुछ नहीं है अली, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटियों की जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। कुछ प्यार हो गया है सरमत से। खामोश, जो सरमत की वालदा है ना, उन्होंने पहले ही जो है वो रशाने को अपनी तरफ कर लिया और अब उनका बेटा तुमसे खेल खेल रहा है। बानो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरमत आप भी ना, होना वाना तो कुछ है नहीं, हम तो बस ऐसे चेकअप कराने के लिए आ गए।